एक मित्र ने पूछा है कि क्या आप हमें ध्यान की छोटी छोटी विधियां बताएंगे जो हम अपने व्यस्त जीवन में कभी भी एक दो मिनट में कर सकें। महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज की दुनिया में व्यस्तता इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी आपाधापी, सोने का समय नहीं है, चैन से खाने का समय नहीं है, अपने परिवार के पास बैठने का समय नहीं है। वो बैठे भी हैं चार लोग तो अपने अपने मोबाइल में देख रहे हैं। बड़ी विचित्र अवस्था है। नींद की कटौती करते जा रहे हैं, दो दो तीन तीन बार रात तक लगे हैं इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, और दिन में व्यस्तता है ही। महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी, उनके लिए खूब काम करना होगा, अभी को बलिदान करना होगा, कुर्बान चढ़ाना होगा, भविष्य में आराम से रहेंगे कभी, ऐसी प्लान करते हुए आज का बलिदान, वो भविष्य कब आएगा। कई लोगों को मैं देखता हूं रिटायर होते ही से उन्होंने फिर दूसरा कोई जॉब खोज लिया। पहले कह रहे थे रिटायर हो जाए फिर बस साधना में पूरा समय लगाना है, आश्रम में ही आके अधिकतर समय रहेंगे, साधना करेंगे। रिटायरमेंट हुआ, महीने भर बाद पता चला उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, कहीं कंसल्टेंट बन गए, एडवाइजर बन गए। कौन व्यस्त कर रहा है? तुम स्वयं ही अपने आप को व्यस्त कर रहे हो। चलो फिर भी तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है, आधुनिक युग में काम का होगा। ध्यान की छोटी छोटी विधियां, मैं आपसे निवेदन करूं, सदगुरु ओशो की एक किताब अंग्रेजी में है, द ऑरेंज बुक, उसमें 100 से भी अधिक छोटी छोटी विधियों का उल्लेख है। हिंदी में किताब है ध्यान दर्शन, इसमें कुछ हिंदी प्रवचनों से ली गई विधियां हैं और कुछ अंग्रेजी प्रवचन जो ऑरेंज बुक में संकलित किए गए थे उनका अनुवाद भी है। एक अन्य किताब है ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, इनको थोड़ा पढ़ना, पढ़ के चिंतन मनन करना और ध्यान की मुख्य बिंदु पकड़ना, और तब बड़ा आसान हो जाएगा, बिल्कुल छोटी सी विधि और अद्भुत उसके परिणाम हो सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं दो चार छोटी छोटी तरकीब का वर्णन करता हूं। कभी भी अचानक सांस को रोक लो, 10-15 सेकंड आराम से सांस रुकी रहती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कुछ खास काम कर रहे हो, अपने दफ्तर में बैठे बैठे कि ड्राइविंग करते करते कि घर के कामों में व्यस्त हो, और 5-10 सेकंड जितनी देर सहज रूप से सांस रुकी रहने दो, और तुम हैरान हो गए सांस के रुकते ही भीतर विचारों का सिलसिला भी रुक गया। एक दूसरी विधि, आंख की पुतली को रोक लो, आंख खुली हो कि बंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे आंख की पुतली ना हिले, एक टक देखो। पुरानी भाषा में इसको त्राटक कहा जाता था। मैं नहीं कहता आपसे कि लंबे समय तक करना, 10-15 सेकंड बस इतना बहुत है, और जब देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु को, एक किसी चीज को देख रहे हैं, बस आंख की पुतली थम जाए, सामने जो भी है सब कुछ विस्तार में पूरा का पूरा दिख रहा है, कहीं फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है और आंख की पुतली ठहरी हुई है। जैसे ही आंख की पुतली ठहरेगी आप पाओगे विचार भी ठहर गए, और मन में जो अशांति है वह विचारों की भीड़ की वजह से है। मन की राह पर भयंकर ट्रैफिक चल रहा है विचारों का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, योजनाओं का, भावनाओं का, ये बड़ी भीड़ का शोरगुल, इससे अशांति है। अगर तुम चाहते हो शांत होना, काश थोड़ी देर के लिए भी अगर ब्रेक लग जाए, अचानक एक सन्नाटे का एहसास होगा। तुम चाहो तो इन दोनों विधियों को मिला भी सकते हो, सांस भी रोक लो और आंख की पुतली को भी रोक लो, और भी अच्छा होगा। तीसरी बात और जोड़ दो, वो 10-15 सेकंड के लिए शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाए, मूर्तिवत,
कोई मूवमेंट नहीं। खासकर जब आप बैठे हो, खड़े हो, ये किया जा सकता है, कहीं कोई मूवमेंट ना हो। अगर तन स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक मनुष्य का होना एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स जैसा है। हम केवल तन ही नहीं हैं, हम केवल मन भी नहीं हैं, हम तन मन इकट्ठे हैं, साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक घटना है। तो मन पर हमारा वश नहीं चलता। आपसे कहेंगे विचार को रोक लो, आप नहीं रोक पाओगे। कोई भावना में आप उलझ गए हो, समझो क्रोध आ गया है, अब आपके वश में नहीं है कि आप कुछ कर सको, लेकिन शरीर पर आपका वश है। भावना जरा सूक्ष्म है, विचार तो बहुत ही सूक्ष्म है, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन शरीर हमारा स्थूल है, यहां हम निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं। तो जरा 10 सेकंड के लिए शरीर में भी कोई हलन चलन ना हो, सांस भी रुकी हो, आंख की पुतली रुकी हो, अगर संभव है तो आंख बंद कर लेना, और आप पाओगे अचानक भीतर शांति है, सन्नाटा है, मन के विचारों का शोरगुल कुछ क्षण के लिए गायब हो गया। एक बार वो स्वाद आपको लग गया तो आपका खुद ही बारंबार मन होगा फिर उस मीठे अनुभव में डुबकी मारें। तो दिन में 25-50 बार इसको कर लीजिए, अलग से कोई वक्त भी नहीं लगेगा। और दूसरी विधि कहता हूं आपसे, जब याद आ जाए धीमी और गहरी सांस लो। सामान्यतः हमारी सांस सीने के बीच वाले हिस्से से चलती है। हमारे फेफड़ों में 3 खंड हैं, जो अपर लोब से ऊपर कंधों के नीचे, अक्सर वहां तक हवा पहुंच ही नहीं पाती, वो कभी फैलता से कुड़ता नहीं, और ना ही लोअर लोब्स में हवा पहुंचती, केवल मिडिल लोब सीने का मध्य भाग ही फूलता पिचकता है। ऐसा समझो कि हम मुश्किल से 1/3 सांस ले रहे हैं, 33%। थोड़ा सा गहरी सांस का प्रयोग करना सीखो। जब सांस भीतर लो, हल्के से कंधे को ऊपर उठ जाने दो और पेट को फूलने दो। सांस छोड़ते समय पहले कंधे नीचे जाएं, फिर धीरे धीरे पेट पिचके, और कोशिश करना पूरा पिचके, ताकि फेफड़े पूरे खाली भी हों, वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, फिर ताजी हवा भीतर लो। अगर हम पूरी गहराई से सांस लें तो लगभग 5 लीटर हवा औसत व्यक्ति के फेफड़ों में जाती है, और तब हमारी श्वास की गति बड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी लेने की जरूरत नहीं। अगर आप एक बार में सिर्फ 1 लीटर सांस खींच रहे हैं, उथली उथली सांस है आपकी, तो फिर आपको तेजी से लेना पड़ेगी। कुत्तों को देखते हैं कैसी सांस लेते हैं। अगर आप गहरी और धीमी सांस लोगे तो फिर जल्दी की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप एक बार में 5 गुनी सांस ले रहे हो। तो नॉर्मली अगर आप 1 मिनट में 20 बार सांस ले रहे थे, तो अब उतनी ही ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपको केवल 4 बार सांस लेना पड़ेगा, 5 गुना कम। 15 सेकंड में एक सांस आएगी जाएगी, 7-8 सेकंड में भीतर गई, 7-8 सेकंड में बाहर आई। जब याद आ जाए इसको कर लो, ना अलग से कोई समय लगा, ना आपके क्रियाकलापों में कोई बाधा पड़ी, आप अपनी व्यस्तता में रहे आओ और धीमी गहरी सांस ले लो। धीरे धीरे आप पाओगे आपका चित्त शांत होने लगा, निर्मल होने लगा, निष्कलुष हो गया, और वह शांति आपके शरीर पर भी और आपके क्रियाकलापों पर भी अपना प्रभाव दिखाने लगी। आपके कर्म में एक प्रकार की कुशलता आ जाएगी, आप बेहतर ढंग से अपना कार्य संपन्न करोगे, सफलता की चांस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी। जब आप शांत मन से कुछ कर रहे हो, सफलता की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको करके देखना, फिर आपको धीरे धीरे ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूं,
कोई बोझ ढो रहा हूं गंभीर सा, क्रमशः आपको लगेगा कि कितना मजा आ रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, यू आर एंजॉइंग दिस वेरी मोमेंट। आपका कार्य भी अत्यंत प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाएगा, एक खेल जैसा, उत्सव जैसा हो जाएगा। एक और छोटी सी विधि, लाओत्सु के संत, चीन के संत लाओत्सु के द्वारा प्रस्तावित, इसको तांडेन विधि कहा जाता है। इसमें भी अलग से कोई समय नहीं लगेगा। सदगुरु ओशो ने इसको बहुत विस्तार से समझाया है। आप चाहें तो उनकी किताब ताओ उपनिषद का 24वां प्रवचन पढ़िए, अथवा यह ऑडियो प्रवचन सुनिए। ये विधि अगर आपकी पकड़ में आ गई तांडेन की, तो कमाल हो जाएगा। आप सदाबहार शांत और प्रसन्न रह सकोगे, और अलग से इसमें कोई वक्त नहीं लगता। तो ऐसी बहुत सी विधियां सदगुरु ओशो ने बताई हैं, मैंने तो केवल थोड़ा सा ही उल्लेख किया है। थोड़ा अध्ययन मनन कीजिए। एक और खुशखबरी आपको सुना दूं, ओशो की सारी हिंदी किताबें एक लिंक पर क्लिक करके पढ़ी जा सकती हैं या डाउनलोड की जा सकती हैं, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक इसी प्रकार ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन आप डाउनलोड करके निशुल्क सुन सकते हैं। जिन मित्रों को जिज्ञासा हो, आप मुझे SMS या ईमेल से पूछ लीजिए, मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा। आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आपको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं साथ में, कभी भी आपको समय मिला मोबाइल से आप सुन सकते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि ओशो की वाणी सुनना भी अपने आप में एक ध्यान है। चंद मिनट ही आपको कभी मिल गए बीच में खाली, ओशो की वाणी सुन लीजिए। और आज के मोबाइल के ज़माने में तो बड़ा आसान हो गया, सभी के पास मोबाइल है, और अब तो डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं। बेहतर हो अपना हेडफोन या ईयरफोन साथ में रखिए, ताकि अन्य लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आप काम कर रहे हैं, और बीच बीच में 5 मिनट के लिए ओशो की अमृतवाणी सुन ली, और आप एक दूसरे ही लोक में पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।